ఉత్తరప్రదేశ్ లోని మౌలలో ప్రధాని మోడీ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. लेकिन जैसे ही पहले दौर का मतदान की खबर आ गई तो कुछ लोगों ने प्रचार में आने से ही अपने आप को बाहर कर दिया. जो दो तिहाई बहुमत की बातें करते थे, दोबारा जीत के आएंगे उसकी बातें करते थे, वो हाथ जोड़ करके कहने लगे कि एक बार फिर से हमें अवसर दीजिए, हम हमारी गलतियां ठीक कर देंगे. दौर आते आते तो उनको पता चल गया कि अब मामला जमने वाला नहीं है. फिर अपने इलाके में आए, वहां उनको लग रहा था ये तो परंपरागत हमारा इलाका है, परिवार के सारे लोग यहां डटे हुए हैं. लेकिन जब वहीं पर पिटाई हो गई, खुलेआम लोगों ने उनके खिलाफ मतदान किया, तो उनको लगा अब जीतने की संभावना नहीं है. भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में जीतने के लिए प्रयास करे, लोकतंत्र में उनका हक है. बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव जीतने के लिए जी जान से मेहनत करे, ये उनका हक है. भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के लिए भांति भांति की कोशिश करे, लोकतंत्र में वाजिब है. लेकिन भाइयों बहनों, सपा और बसपा दोनों को 3rd दौर के बाद जब ये पक्का हो गया अब उनके जीतने की संभावना नहीं है, तो पिछले कुछ दिनों से इन्होंने एक नया खेल चालू किया है, एक नई तरकीब चालू की है. और उन्होंने चालू क्या किया है, हम हारे तो भले हारे, हमारी सीटें कम हो जाए तो हो जाए, लेकिन किसी को बहुमत नहीं मिलना चाहिए. मैं समाजवादी और बसपा के नेताओं से कहना चाहता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के लिए जितना करना है करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे. लेकिन उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए. उत्तर प्रदेश पहले भी बहुत कुछ भुगत चुका है, अब ज्यादा उसे परेशानियों में मत डालिए. आप सोचते होंगे कि त्रिशंकु असेंबली बनेगी, किसी को बहुमत नहीं मिलेगा, तो आप लोगों को सौदाबाजी करने का मौका मिलेगा. ये उत्तर प्रदेश की जनता ने लोकसभा में बता दिया है. पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने ऐसी ताकत दी थी कि पूर्ण बहुमत की दिल्ली को सरकार चाहिए, उन्होंने दिया था. यही उत्तर प्रदेश इस चुनाव में भी भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए. भाइयों बहनों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप जवाब देंगे, सबके सब देंगे, वो दूर दूर है वो भी देंगे, पूरी ताकत से देंगे. आप बताइए भाइयों बहनों, आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज अमेरिका में भी हिंदुस्तान की बात हो रही है कि नहीं हो रही है? आज रशिया में भी हिंदुस्तान की जय जयकार है कि नहीं है? आज जापान में भी हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज इंग्लैंड में भी हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दुनिया के हर कोने में हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्या कारण है? क्या कारण है? क्या कारण है? आज पूरे दुनिया में वाहवाही हो रही है, क्या कारण है?
पूरी ताकत से बताइए क्या कारण है। जी नहीं, मोदी मोदी नहीं, ये जो दुनिया में जय जयकार हो रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार बनाई, और इसके कारण मोदी आज दुनिया में जहां भी जाता है, दुनिया के बड़े से बड़े नेता से जब हाथ मिलाता है तो सामने वाले नेता को मोदी नहीं दिखता है, उसको 125 करोड़ हिंदुस्तानी दिखाई देते हैं, और इसलिए हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है।